हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 8वीं का शिष्यवृत्ति स्कॉलरशिप के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। आपको शिष्यवृत्ति का जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आए हैं, उन प्रश्न पत्रों को बताने जा रहा हूँ। यह प्रश्न पत्र है फरवरी 2018 में आया हुआ पहला प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न पत्र आप जानते हैं, उसमें भाषा और गणित दिया जाता है। तो आप जो है आज इस जो है सेशन में भाषा के जो प्रश्न आते हैं, 25 प्रश्न होते हैं, उनको कैसे आप आसानी से हल कर सकते हैं, तो चलो हम देखते हैं। पहला भाग भाषा, जो प्रथम भाषा है इसमें हमारा हिंदी मीडियम में हिंदी का आता है, मराठी मीडियम में मराठी का आता है। तो हमारा विभाग वन है प्रथम भाषा यानी हिंदी के बारे में जो 25 प्रश्न है, हम इसको कैसे जो है आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है ये 25 प्रश्न है। आप देखिए, इसमें पहला प्रश्न आया हुआ है जो है 1 से 3 के लिए निम्नलिखित गद्य परिच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उचित पर्याय चुनिए। तो आज भले ही मैं तुम्हें इतना विशाल महाकाय वृक्ष दिख रहा हूँ, लेकिन मेरा जन्म घर के आंगन में आम की गुठली से हुआ। तुम्हारे दादाजी ने मुझे आंगन से निकालकर अपने खेत की मेड़ पर लगाया। उस दिन तुम्हारे दादाजी ने पिताजी की बरसी थी, तुम्हारे दादाजी के पिताजी की बरसी थी, अतः स्मृति वृक्ष के रूप में दादाजी तथा परिवार के लोग मेरा अधिक ध्यान रखने लगे। परिवारजन मुझे नियमित पानी देते रहे, सींचते रहे, मेरे चारों ओर कटीली बाड़ लगाई। मेरे चारों ओर कटीले बाड़ लगाई। प्रतिवर्ष मुझ जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते थे और फिर मैं हरा भरा बन जाता था। दिन मास और बरस बीतते गए, अब मैं छायादार पेड़ बन गया था। उस दिन का आनंद मैं व्यक्त नहीं कर सकता जब पहली बार मुझ पर बौर आया, मंजरियां लगी, अंबियां पकने लगी। ये जो है गद्य से प्रश्न है, गद्य परिच्छेद दिया गया है। इस पर 3 प्रश्न जो है दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 से 3 तक इस गद्य पर पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, मेरा जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ 4 उत्तर है, बगीचे में, शहर में, घर के आंगन में, उद्यान में। तो परिच्छेद आप पढ़ने के बाद प्रश्न पढ़िए, प्रश्न पढ़ने के बाद आपको उत्तर ध्यान में आ जाएगा। अगर डाउट्स है तो फिर से परिच्छेद को सरसरी तौर से देख लीजिए। इसका उत्तर क्रमांक 3 सही है, घर के आंगन में। जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि तुम्हारे दादाजी ने, हाँ, आंगन में, यहाँ पे देख रहे हैं, मेरा जन्म घर के आंगन में आम की गुठली से हुआ। तो इस तरह से आपको लिखा गया है, तो ये घर के आंगन में इसका उत्तर होगा। दूसरा है, परिवार के लोग मुझे नियमित क्या देते थे? तो पानी देते रहे, दूध देते रहे, दवा देते रहे, खाद देते रहे। इसमें जो है नियमित रूप से परिवार के लोग पानी देते रहे, यहाँ आया हुआ है नियमित पानी देते रहे। अब मैं क्या बन गया? अब मैं क्या बन गया? जंगल बन गया, छायादार पेड़ बन गया, सूख गया, गुठली बन गया। तो अब छायादार पेड़ बन गया हूँ। यहाँ पर जो है आपको आया हुआ है, मैं हरा भरा बन जाता था, दिन मास और बरस बीते गए, अब मैं छायादार पेड़ बन गया था। तो छायादार पेड़ बन गया हूँ, ये तीसरे का उत्तर होगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का उत्तर क्रमांक 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, 4 से 6 तक के लिए सूचना है। नीचे दिए गए सुसंगत परिच्छेद के वाक्य पूर्ण करने के लिए उचित पर्याय का क्रमांक पहचानिए। तो 4 से 6 जो प्रश्न है, तीनों प्रश्न में एक सुसंगत जो है आपको परिच्छेद तैयार करना है। इसलिए तीनों प्रश्नों को एक साथ ध्यान में रखकर पढ़ करके फिर उत्तर लिखना शुरू करें। पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा में अनीता को स्थान मिला 20वां, 3रा, 12वां, 1म। तो जो है फिर दूसरा भी प्रश्न पढ़ लीजिए, महानगर पालिका की तरफ से उसके डैश की घोषणा की गई, उद्धार, अभिनंदन, कौशल, योगदान,
छठा प्रश्न है, उसने सर्वोच्च स्थान पाने का अपने गुरुजनों को दिया, आनंद, भार, श्रेय, मान। तो इसमें से आप देखेंगे कि परीक्षा में अनीता को कौन सा स्थान मिला होगा। तो कोई भी बच्चा प्रथम स्थान प्राप्त करता है तभी उसका स्वागत वगैरह होता है, इसलिए प्रथम स्थान आएगा यहाँ पे। प्रश्न का उत्तर जो क्रमांक 4 है वो सही होगा। पांचवे में तो न महानगर पालिका की तरफ से उसका किस चीज की घोषणा की गई, उद्धार, अभिनंदन, कौशल, योगदान। तो जो बच्चे अच्छा काम करते हैं जो उसका अभिनंदन किया जाता है, इसलिए दूसरा उत्तर सही होगा। उसने सर्वोच्च स्थान पाने का जो है अपने गुरुजनों को दिया, क्या दिया, आनंद दिया, भार दिया, श्रेय दिया, मान दिया। तो जब भी कोई बच्चा या कोई व्यक्ति किसी अच्छे काम के द्वारा नाम गाम प्राप्त करता है तो जो है अपने गुरुजनों का श्रेय या अपने घर वालों को श्रेय देता है, इसका श्रेय मेरे पिताजी को है, मेरे इसका श्रेय मेरे गुरुजनों का है। तो यहाँ पर उसने अपना सर्वोच्च स्थान पाने का श्रेय अपने गुरुजनों को दिया। तो इसलिए जो है पूरा परिच्छेद आप पढ़ सकते हैं फिर से। पूर्व माध्यमिक स्मृति परीक्षा में अनीता को प्रथम स्थान मिला, महानगर पालिका की तरफ से उसके अभिनंदन की घोषणा की गई, उसने सर्वोच्च स्थान पाने का श्रेय अपने गुरुजनों को दिया। इस तरह से इस परिच्छेद बढ़ जाएगा सही सही और आपका उत्तर भी सही होगा। ये ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना है। अगला प्रश्न 7वां है, नदी के समान अर्थ वाले शब्द का पर्याय चुनिए। यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है दो पर्याय, जहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा, दो उत्तर चुनना है। पहला है यहाँ पे उत्तर क्रमांक 1 में नूतन, सरिता, तटनी, ऊंचा। तो ये जो है पहला नहीं है, चौथा भी नहीं है। इस तरह सरिता नदी का पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द है, उसी तरह तटनी भी नदी का पर्यायवाची शब्द है। इसलिए जो है 2 नंबर और 3 नंबर ये आपका दूसरा और तीसरा उत्तर सही है। 8वां प्रश्न है, नीचे दिए गए विरुद्धार्थी शब्द की सही जोड़ी पहचानिए। यहाँ भी दो पर्याय चुनना है। विरुद्धार्थी शब्द की सही जोड़ी अग्नि, आग। अग्नि, आग ये समानार्थी शब्द है इसलिए उत्तर नहीं होगा। आस्तिक और नास्तिक के विरुद्धार्थी शब्द है। शुभ और अशुभ ये विरुद्धार्थी शब्द है। दिवस और दिन ये समानार्थी शब्द है, ये नहीं होंगे। इसलिए आपका उत्तर क्रमांक 2 और 3 होगा, इसका भी दो उत्तर देना है। नीचे दिए गए शब्दों में से अशुद्ध शब्द को पहचानिए, निर्झर, निर्झर, नियुक्त, आश्चर्य। इसमें से पहला निर्झर सही है लेकिन दूसरा निर्झर गलत है, इसलिए अशुद्ध शुद्ध पहचानना है, इसलिए आपका उत्तर क्रमांक 2 सही होगा। जिसके दिल में दया का भाव हो उसको क्या कहा जाएगा, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा, दयनी, दिलदार, प्रेमी, दयालु। तो दया का भाव जिसके अंदर रहता है उसको दयालु कहा जाता है। नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ पर्याय में से पहचानिए, कान पर जू न रेंगना ये मुहावरा है, इसका कौन सा अर्थ सही होगा, अनसुना करना, ध्यान से सुनना, सतर्क होना, बर्बाद हो जाना। कान पर जू न रेंगना मतलब कोई बात सुनने पर भी, मतलब अनसुन करके भी जो है अनसुना कर देना। हाँ, तो ऐसा जो है इसका अर्थ निकलता है कि कान पर जू न रेंगना यानी अनसुना कर देना, कोई चीज सुनकर भी अनसुना कर देना, इसलिए उत्तर क्रमांक पहला इसका होगा। अगला प्रश्न है, कहावत से है, नीचे दी गई कहावत का अर्थ पर्याय भी से पहचानना है। दूध का दूध, पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी, ये जो है किसके लिए होगा, इसका अर्थ क्या होगा, थोड़े में बहुत कहना, निष्पक्ष न्याय करना, बिल्कुल निरक्षर, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। तो दूध का दूध, पानी का पानी हमेशा जो है निष्पक्ष न्याय करने से संबंधित होता है, यानी सही चीज ज्ञात करना या निष्पक्ष न्याय करना। तो ये उत्तर क्रमांक 2 हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में द्रव्यवाचक संज्ञा को पहचानिए। दो पर्याय चुनना है। द्रव्य, द्रव्य यानी कोई पदार्थ होता है तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। तो यहाँ पर घिड़ा और यौवन ये जो है भाववाचक हैं, भाव से संबंधित है, ये दोनों नहीं है, इसलिए आपका ये हीरा और कोयला ये पदार्थ हैं, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, कोई हीरा और कोयला, इसलिए उत्तर क्रमांक 2 और 3 सही होगा। ए, ऐ, ओ, औ किस प्रकार के वर्ण हैं।
ये मृदु वर्ण भी नहीं है, अनुनासिक भी नहीं है, ये संयुक्त स्वर है, इसलिए आपका उत्तर क्रमांक 3 होगा सही। नीचे दिए गए शब्दों में से विसर्ग संधि पहचानी, विसर्ग संधि कौन सा है, तो जो है नमस्कार में नमः धनकार होता है, इसलिए आपका उत्तर क्रमांक ए सही, एक सही होगा। नीचे दिए गए वचन परिवर्तन की जोड़ियों में से असंगत जोड़ी पहचानना है, वचन परिवर्तन छात्र छात्रा, छात्र छात्रा ये वचन से संबंधित नहीं है, यह लिंग से संबंधित है। कवि कविगण ये जो है एक वचन बहुवचन है, बहु बहुवी एक वचन बहुवचन है, पुस्तक पुस्तके ये तीनों एक जैसे हैं, एक वचन बहुवचन है, लेकिन ये जो है वचन से संबंधित नहीं है, ये असंगत जोड़ी जो है पहला है उत्तर क्रमांक एक। नीचे दिए गए वाक्य में से कारक को पहचानना है, राधिका साइकिल साइकिल से घर गई, तो ये शब्द सब से जो शब्द है ये कौन सा कारक है, तो से करण कारक आएगा, यहाँ पर पहला उत्तर आएगा से करण कारक, इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो है 18 है, भरपेट शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग शब्द को पहचानना है इसमें से, तो भरपेट उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले लगता है, पहले क्या लगा है यहाँ पे भर है, भर कहाँ पे आ रहा है 4 नंबर पर, इसलिए उत्तर क्रमांक 4 सही होगा। ऊंच नीच में कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त किया गया है, उसके बीच में आप चिन्ह देख रहे हैं, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहा जाता है, इसलिए उत्तर क्रमांक 3 सही होगा। नीचे दिए गई जोड़ियों में से असंगत जोड़ी पहचानना है, नायक नायिका पाठक पाठिका बालक बालिका सेवक सेवकाई, ये जो है पहला दूसरा तीसरा ये जोड़ी सही जोड़ी दिख रही है, असंगत इसमें से अलग सेवक सेवकाई, सेवक के साथ सेवकाई नहीं होता है, सेवक सेविका होता है, इसलिए ये उत्तर क्रमांक 4 हो जाएगा। पीपर पात सरिस मंडोला ये जो है अलंकार में प्रयुक्त पंक्ति में अलंकार पहचानना है, कौन सा अलंकार है, पीपर पात सरिस मंडोला इसमें उपमा दी गई है, इसलिए ये उपमा अलंकार होगा, इसलिए उत्तर क्रमांक 2 सही होगा। अगला प्रश्न है आमरण शब्द में प्रयुक्त समास को पहचानना है, आमरण शब्द जो है अव्ययी भाव समास है, इसलिए उत्तर क्रमांक 2 सही होगा। लड़की स्कूल जा चुकी थी, जा चुकी थी, थी लगा हुआ है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए, थी तो ये भूतकाल है, लेकिन लड़की स्कूल जा चुकी थी भूतकाल, यहाँ पर देखेंगे पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल तो जा चुकी थी, काम पूरा हो गया है, इसलिए पूर्ण भूतकाल है, इसलिए उत्तर क्रमांक 3 आपका होगा 23 का। 24 में है मुक्ति बोध उपनाम से कौन से साहित्यकार को जाना जाता है, बाल कवि गजानन माधव श्रीपाल सिंह रामब्रिज, तो किसे जाना जाता है मुक्ति बोध के नाम से, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 गजानन माधव जी को मुक्ति बोध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्र ध्वज में कौन सा रंग शांति का प्रतीक है, हमारे राष्ट्र ध्वज में जो है जो आप जानते हैं कि हरा केसरिया और सफेद 3 रंग होते हैं, तो हमारा जो सफेद रंग है वह जो है शांति का प्रतीक है, तो श्वेत यानी जो है सफेद यानी श्वेत, तो उत्तर क्रमांक पहला हो गया, ये जो है शांति का प्रतीक है। इस तरह से आपका ये 25 प्रश्न पूरा हो गया, और आपको बहुत ही आसानी से 25 प्रश्न आप सही सही कर सकते हैं बहुत कम समय में, और अपने समय को बचा करके गणित का प्रश्न कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है भाषा में थोड़ा व्याकरण का ध्यान रखते हुए ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, पूरा का पूरा भाषा में मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आज का सीशन ये भी समाप्त करते हैं, धन्यवाद।